अब्दुल जी एक बात बताइए, क्या ये वही राशिद है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नाम मुराद है जिसने मेरा कारोबार, मेरा प्यार सब छीन लिया मुझसे। रुक जाइए। अरे लेकिन ये चोर है, पकड़ो इसे। ऐसे कैसे राशिद साहब को चोर बोल सकते हैं? अरे तंबूरा राशिद साहब, अरे चोर है ये चोर। लाहौल वाला कुव्वत, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है और ये कोई तरीका है सलाम दुआ करने का? सलाम? अरे सलिये में डाल के तंदूर बनाऊंगा तुम्हारा। अब्दुल जी प्लीज एक मिनट हम समझाते हैं। ये अब्दुल जी हैं और इनका ऐसा कहना है कि इनकी लिखी हुई जितनी भी नज्में हैं, जितनी भी शायरियां हैं, जो कुछ भी है वो दरअसल इन्होंने चुरा ली है। हसीना जी, अरे हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? बरसों से हम इन्हें सुनते आए, इनकी गजलें, इनकी रुबाइयां, इनकी नज्में, हाँ, और कोई भी ऐसा हैरा गहरा इंसान आके ये कह दे कि नज्में हमारी है तो कैसे मान लेंगे हसीना जी हम लोग? अरे मेरी है। अरे बात सुना रे। अरे शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। शांत शांत। अरे ये कोई हैरे गहरे नहीं है, मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त हैं, सालों से हॉस्पिटल में थे। कैसे है अब्दुल मियां? तबियत, अब तुम्हारी तबियत नासाज होगी, देखना तुम्हें जेल होगी, जेल चोर, मैं यकीन से। देखिए इन्हें होश आ गया है लेकिन इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इनके दिमाग को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए। 30 साल तक कोमा में थे तो दिमागी तौर पर अभी भी 1985 में है। अगर इन्हें पता लगेगा कि 2022 चल रहा है और इनके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं तो इन्हें गहरा सदमा लग सकता है। हो सकता है ये फिर से कोमा में चले जाएं या फिर ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी डेथ हो जाए। डोंट वरी डॉक्टर, हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही होश में आते हैं मुझे कॉल करना प्लीज। टीम, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब्दुल जी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये 2022 है। इतने साल खोने का सदमा उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिविलियंस का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। जी मैडम सर। जी मैडम सर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और हो गया ना, मतलब हर चीज पुराने जमाने जैसा होना चाहिए ना इनके हिसाब से। तो ऑफ कोर्स करना ही होगा, इनकी मदद करने के लिए हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे। या अल्लाह, ये किस बात की सजा दे रहा है उसे? मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं होने नहीं दूंगा मैं। वाह, देखिए कितने महान इंसान है ये। आपके दोस्त ने आपको गालियां निकाली और आप उसके जवाब में उनके लिए फूल बरसा रहे हैं। वाह मैम, ऐसा इंसान मेरी नजर में कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ कृष्णा जी, अभी मैं चलता हूँ, शाम की महफिल की तैयारी भी करनी है। जी आप जा सकते हैं, पर राशिद जी आपको हमारी एक मदद करनी होगी। जी हसीना मैडम, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम छोड़ कर आए। चलिए। हमें नहीं लगता कि अब्दुल गलत है, हमें इस आदमी पर शक है। लेकिन मैडम सर, आप ऐसे कैसे किसी नतीजे पर आ सकती हैं? हमें तो जितना दिख रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि इनका कुछ गलत फहमी है। तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब ही जमाना है नफरतों के कहर है, ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती जहर है। अब्दुल ही सही है और ये बात हम साबित करके रहेंगे। मैडम सर, अगर आपको आपके तजुर्बे पे गुरूर है तो हमारे कारनामे भी बहुत मशहूर है, हम भी आपको ये साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं है। सब कुछ भरवा दिए इसमें, खाली ये बजाना तुम्हें। वो सब ठीक है चीता भाई, अब्दुल मियां होश में है कि नहीं? हम आपसे कोई गुफ्तगु नहीं करेंगे। बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मत कर, मेरा क्या जा रहा है?
अरे बा 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 बस बस आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अब्दुल। ए भाई ये कोमा में अच्छा था। स्वदेशी का गांधी जी के रास्ते पे चलो। जय हिंद, जय हिंद। आज से हर कोई हिंदी में सलाम दुआ करेगा। हिंदी हिंदी। जी 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 जी, हम इधर इधर आइए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। शुभ प्रभात। बदनाम कहाँ है? छुट्टी पे है। बदनाम एक स्पेशल चाय। पहले चाय के पैसे 1200 दे। 1200? अब्दुल चाचा जो बदनामुआ है ये कोई साधारण चाय थोड़ी बेचता है। बहुत शिद्दत से चाय बनाता है, बहुत स्पेशल चाय बनाता है, इसीलिए तो महंगा बेचता है। अरे 1200 है ना लेकिन। अरे शांत हो जा यार, शांत। अरे इन बातों में तू ध्यान क्यों दे रहा है? 100, 200, 400, 500, 1000 खत्म कर बात को। तू दूंगा, ध्यान दूंगा, सब पे ध्यान दूंगा, इसमें उसमें सब पे ध्यान दूंगा, और खास करके तुझ पे ध्यान दूंगा। तुझ पे तो कोर्ट कचेरी का केस करवाऊंगा और साथ में अपनी शायरियां भी लूंगा और साथ में अपनी शहनाज को भी लूंगा। शहनाज? हे एक मिनट अब्दुल चाचा, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? बात करने से, ऐसे कुछ बोल देने से केस थोड़ी सॉल्व होता है। केस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए होता है, हमने? अब एक बात बताइए आप हमको कि जब आप अपने गर्लफ्रेंड को महबूब को लेटर खत 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 लिख रहे थे, उस समय कोई और भी वहां पर मौजूद था सरकारी गवाह के लिए? कौन कौन कौन? हरिलाल, कृष्णा और रामलाल। ये तीनों थे। अब तेरा कीमे का कीमा और बोटी का बोटी हो जाएगा राशिद मियां शायद। हाँ चलो, तुम्हें कीमा भी खिलाता हूँ, बोटी भी खिलाता हूँ। गंदा आदमी। हेलो कृष्णा मैम। भैया राइट लेना, राइट। ओ नहीं नहीं नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न यूटर्न। कब से इसी जगह पे राइट लेफ्ट, सेम जगह पे ही तो हैं हम। राइट। ओ नहीं नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न मारो फिर से। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको, आप रुको, रुक दीजिए, रोक दीजिए सर, रोक दीजिए एक मिनट। हमारे साथ सर तू क्या चल रहा है? तुम कब से एक ही एरिया में घन चक्कर की तरह हमको चक्कर लगवाई जा रही हो? एक और फेरा ले लेंगे ना, साथ कंप्लीट होकर हमारा शादी हो जाएगा इस एरिया से। नहीं मैडम, लोकेशन ठीक से ट्रेस ही नहीं हो पा रही, लेकिन यही कहीं आसपास की बता रही है। देखो संतू, कब से तुम यही चल रहा है आसपास का बता रही है? भैया दो गवाह जो है ना वो निपट चुके हैं, और यमराज जी से पहले हमको पहुंचना है उस लोकेशन पे, ताकि हम उनको जिंदा पकड़ सके और ये साबित कर सके कि इकबाल राशिद जी जो है वो बेगुनाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को, करो कुछ, करो करो ना। तो फिर से चलते हैं हम वहाँ पे, उस तरफ देख। चलो चलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे शौर और झूठ, अरे शाही टुकड़ा भी कभी खट्टा होता है क्या? और आप इस बात की तफ्तीश करने आई हैं? देखिए आपके पास आपके शौहर की कोई पुरानी नज़में, गज़लें या शायरी वगैरह कुछ है? जी बिल्कुल, प्लीज दिखाइए। ये लीजिए, इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं। नहीं नहीं, इतनी काफी है। आपके हस्बैंड ने आपको प्रपोज कैसे किया था? बेस्ट एवर प्रपोजल, सबसे अलग था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिखाइए। समोसा बहुत बढ़िया है, मानना पड़े। के लीजिए। दिखाइए दिखाइए। तुझे देख मेरे नापाक इरादे भी शहीर हो गए। वाह, यूं तो आवारा थे हम, पर अब तशरीफ हो गए। मतलब काफी खुले विचारों के थे, है मतलब आपके हस्बैंड। एक बात बताइए, आपने ये शायरी पढ़ के हाँ कर दी? आप अल्फाजों पे ध्यान दे रही हूँ और मैंने जज्बात पे ध्यान दिया। अच्छा, दरअसल उनकी गलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हमने पाई पाई जोड़कर एक सस्ते हिंदी राइटर से ये लिखवाया था। तो मसला ये था कि जिस टाइपराइटर से लिखा गया था वो स को टा लिखता था, तो बस
शरीफ हो गया तशरीफ। तो जब उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया तो मैं अपने आप को हाँ कहने से नहीं रोक पाई। आपके शौहर काफी नसीब वाले हैं। लकी तो मैं हूँ कि वो मेरे शौहर हैं। उनकी तो बात ही सबसे जुदा है। वो दुआ है तो मैं अजान हूँ। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए। अब क्या बताए हमारे लल्ला के तो भागे फूट। कंट्रोल। एक बात बताइए, हम इस फ्रेम का फोटो ले सकते हैं इफ यू डोंट माइंड? जी जी बिल्कुल, ये लीजिए। जा रही हैं आप? हेलो जीते, सुनो हम तुम्हें एक फोटो भेज रहे हैं, उसमें जो नज्म लिखी है वो पढ़कर अब्दुल जी को सुनाओ और देखो वो क्या रिएक्ट करते हैं। ओके जाहिद। बस बस यहीं पे रुको। कहाँ? यहाँ। रुको रुको रुको, कहाँ? एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे भी ताला लगा है। अब शायद बाहर गए होंगे, किसी से पूछते हैं। हाँ। भाई साहब इधर आइए। यहाँ जो रहती है फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गए? इनको तो काफी समय हो गया यहाँ से शिफ्ट किए हुए। कोई एड्रेस है जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं माफ कीजिए, इनके नए एड्रेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए हसीना मैडम ना, ये देख शेरो शायरी भेजी है, इसको क्या करना है कि इसको हम लोग को अब्दुल्ला को पढ़वाना है। अरे लेकिन उसको शेरो शायरी से दूर रखना है ना, नहीं तो वो वापस कोमा में। तुम अगर नहीं पढ़वाया ना तो करिश्मा मैडम तुमको कोमा में भेज देगी, तो सोच ले उसका कोमा में जाना ठीक है कि तुम्हारा? उसका? हाँ तो चल पढ़वाओ। ले ये रखा अपने पास, रखा अपने पास। ठीक ठीक ठीक। तो अर्ज किया है एक शेर। अरे इतनी महान हस्ती यहाँ पर हमारी महफिल में जब बैठी है तो तुम जाहिलों को शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर शेर सुनना ही है तो राशिद इकबाल साहब से सुनिए ना। राशिद साहब जी एक शेर इरशाद फरमाइएगा प्लीज। अच्छा यानी अच्छा सुना रहा होता। हाँ ये खासेगा ही या शेर भी बोलेगा? अर्ज किया अर्ज किया है कि तमाम रात बीत गई ख्वाबों का इंतजार करते करते और उसके बाद मैंने फिर वजीर सुभान अल्लाह क्या हुआ हुआ, उसने तो शेर पूरा बोला ही नहीं। राशिद मियां शेर तो पूरा बोल लेते। शेर ये है, तमाम रात बीत गई यूं तेरे ख्वाबों का इंतजार करते करते कम वक्त ये मेरी नींद न जाने कहां सो गई। शेर ये है, ए बिलोटे लोहा गरम है हथौड़ा मार दे। अर्ज किया है करो करो। तुझे देख हमारे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। बेहतरीन। तुझे देख मेरे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। पहले तो हम आवारा थे अब तशरीफ हो गए। तशरीफ नहीं शरीफ हो गए। आवारा थे शरीफ हो गए। मैंने लिखा था एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज। झूठ बोलते हो तुम। अरे ये शायरी भी मियां ये राशिद इकबाल साहब राशिद की है, समझे आप? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये शेर मैंने लिखा है। ये शेर टाइप करते करते मेरे टाइपराइटर में तकनीकी खराबी के कारण श से पहले त टाइप हो जाता था, शरीफ की जगह तशरीफ हो गया। अरे मैंने तो टाइपराइटर के ऊपर नाम भी लिखा है। क्या नाम था वो? क्यों झूठ बोल रहे यार, अगर उस पर तुम्हें नाम लिखा था तो तुम्हें इसका नाम याद होना चाहिए। अरे लेकिन इस वक्त नहीं है यार, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात को। ये झूठा आदमी। तुम झूठे हो, मैं झूठा नहीं हूँ। तुम फिर आ गए यार, तुम अपनी दुकान छोड़ के झगड़ा देख रहे हो? हाँ कल 16 अप्रैल है और मेरी बहन का निकाह है और तुम्हें बिरयानी भिजवानी है। हाँ हाँ याद है, जाओ जाओ खुदा हाफिज़ जाओ याद है। अरे कल 16 अप्रैल है यानी कि आज 15 अप्रैल है। अरे मुशायरे के दिन मैंने एक शेर पढ़ा था जो राजेश खन्ना साहब को बहुत पसंद आया था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के दिन यानी 15 अप्रैल के दिन जो उनका मुजाकरा है यानी कि इंटरव्यू, उस दिन वो मेरा शेर पढ़ेंगे, साथ में मेरा नाम भी लेंगे। तो आपको देखना है क्या वो? नहीं दिखाना है कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना साहब ही बताएंगे कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना कौन बनेगा?
अरे हिला के तोड़ दो क्या तुम, आओ जरा आ गया। हाँ पुष्पा जी आप रेडी है ना, अच्छी लग रही है। अरे हम तो तैयार है मगर ये राजेश खन्ना को कौन तैयार करेगा। संतोष शर्मा सब रेडी है ना जी? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो भी शूट होगा डायरेक्ट अपने थाने की टीवी पे टेलीकास्ट होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। चाहते सितारे के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सदी के सुपरस्टार, सदी के महानायक राजेश खन्ना जी का। आइए आइए बैठिए। तो कैसे हैं आप राजेश जी? हाँ हाँ आप तो ठीक ही होंगे। कैसे राजेश खन्ना, बीमार है क्या? तो राजेश जी पिछला जो भाग था वो आपके शेर पे खत्म हुआ था, तो हम चाहते हैं कि ये हिस्सा भी आपके शेर से ही शुरू हो, तो अर्ज किया है। इरशाद 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 अर्ज किया है, अर्ज किया है। मैडम जी अब मैडम मुझे कंप्लेन लिखवानी है। इधर है भैया, इधर देखिए, बोलिए क्या। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कंप्लेंट लिखवाना, बोलिए हमसे। देखिए मैं एक राइटर हूँ और मेरा एक एड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था जिसके अनुसार 5 साल बाद उन्हें मुझे 10 लाख रुपए देने थे, आज 15 अप्रैल 2022 को, पर आज वो देने से मना कर रहे हैं। क्या ये 2022 चल रहा है, 1985 नहीं है? अरे नहीं बाबा, कहाँ 1985, 2022 चल रहा है। अभी को मम्मी मत जाना। देखिए देखिए मिस्टर अब्दुल हमारी बात सुनिए। देखिए दरअसल सच्चाई ये है कि आप पिछले 30 सालों से कोमा में, अभी अभी जागे हैं 2022 में। डॉक्टर्स ने हमें मना किया था कि ये सच्चाई हम आपको बताएं, इसलिए हमने ये सारा ड्रामा किया है। मेरी जिंदगी के कीमती 30 साल ये इसी में चले गए। देखिए अब्दुल में हम आपको समझाते हैं। नहीं नहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं भाई, अभी कुछ नहीं, सब ठीक, माफ करना दोस्त, गलती हो गई दोस्त। 30 साल पहले जो मैंने कंप्लेन लिखाई थी मैं वापस लेता हूं। अरे दोस्त, अरे मेरे मेरे दोस्त सुनो तो। इकबाल साहब, इकबाल साहब, तुमको केस लिखवाना था ना रे, आओ अब लिखवाओ ना, मुंह का ताक रहा उधर। टाइमिंग चलो। नहीं, हमारे इस महिला पुलिस थाने में कभी भी कोई भी केस वापस नहीं लिया जाता, सिर्फ सॉल्व होता है, और इस केस की जड़ तक भी हम पहुंच के रहेंगे। आदाब। आप लोग फिर से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, राशिद साहब जो है वो महिला पुलिस थाना में अपना बटुआ भूल आए थे, तो इसी को लौटाने आए हम। लीजिए। अच्छा अच्छा, सुनिए जी आपका बटुआ मिल गया है। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बटुए के चक्कर में सारा घर छान के फेंक दिया हमने। अब आप लोग यहाँ तक आए हो तो थोड़ा घर में भी तशरीफ लाइए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग बहुत देर हो, थोड़ी खिदमत का मौका हमें भी दीजिए। हाँ दे दिया। आइए आइए, चाहो तुम चले, इन लोगों के लिए ठंडा कुल्ले करा। आइए प्लीज, आइए सर बैठिए। और सुनाइए भाई कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बस बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? आपकी शायरी कैसी, आपकी नज़्मे कैसी है, गजलें कैसी? हमारे वो जो अब्दुल मियां है वो कैसे? बस हम दुआ करते हैं कि वो कोमा से फिर से फुल स्टॉप ना हो जाए। गजब आदमी, पहला बार जिंदगी में शरबत उठाया है क्या तुम? क्या कर दिया तुम? नहीं हम बात कर रहे थे। क्लीन कर लो वॉशरूम इस तरफ। आइए आइए मेरे साथ, पियो पियो तुम। लौटा भी ना, खाना देख के पगला जाता है, करता कभी जूस मिल भी नहीं किया है। शहनाज, हो
अगर ये टाइपराइटर रसिया के पास है तो उस वक्त कह नहीं बताया। हाँ चीता बोलो। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर सुबह में अब्दुल जो है ना एक टाइपराइटर का जिक्र किया था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से शौक के पहले तो टाइप कर देता था, इसीलिए शरीफ का तशरीफ हो गया था। वो टाइपराइटर वा ना रशीदा के घर पर है मैडम, हम देख लिए हैं और उस पर जो नाम लिखा हुआ है ना वो शहनाज है। मैडम हमको आप खाली ऑर्डर दीजिए मैडम, अभी अभी चमन बाहर रशीदा को ना गिरफ्तार करके लेकर आते हैं। नहीं नहीं सुनो सुनो रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना, हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। जय मान। इतने सालों बाद ही सही, पर अब्दुल को वो इंसाफ मिलकर रहेगा जिसके वो हकदार हैं।